और हमारे भगवाना राम जी सैनी को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया और जिस प्रकार अपमानित किया, उसकी पूरे जिले में बदस्तूरना हो रही है, हमारी समाज में बदस्तूरना हो रही है, जिस कारण ये कहीं चुनाव में नहीं है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, जनता भारतीय जनता पार्टी से या शुभकरण से या नरेंद्र मोदी से मतलब ही नहीं रख रही है। जनता का एक ही ध्येय कि झुंझुनू में जो अपना लोकप्रिय प्रत्याशी है विजेंद्र जी हो, उनकी सादगी ईमानदारी लोग प्रभावित है और इस वजह से ये लीड बढ़ती। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, देश में भाईचारा वापस से कायम करने का चुनाव है। और जैसा कि आप कह रहे हो झुंझुनू के लोकसभा चुनाव की, तो झुंझुनू के लोकसभा के चुनाव में तो एक तरफ तो सच्चाई है, सादगी है, ईमानदारी है, लोगों से प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, और एक तरफ जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो कर्मचारियों की रस्सी बांधने वाले लोग हैं, देश में देशद्रोही और देश प्रेमी के सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग हैं, कभी किसी को ओछे शब्दों से जाति सूचक बातें कहने वाले लोग हैं। यहाँ पर चुनाव हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के ब्रजेंद्र जी वड़ा को प्रत्याशी बनाया, उनकी सादगी ईमानदारी जीत रही है। सामने ना तो भाजपा है ना शुभकरण है। लोकतंत्र में माई बाप होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता जो कहती है वो सत्य होता है, क्योंकि अपने पंडित के कहते थे फैसला बस्ती करती है, बस्ती माता होती है। तो अगर जनता का ऐसा रुख है तो उसके साथ साथ उसका एक कारण है, जनता में वर्तमान जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, जो आप नाम ले रहे हैं उनका, उनका इस तरीके का व्यवहार है लोगों के प्रति, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भगवाना राम सैनी जी और इनकी आपसी टक्कर चली थी, रात को इस व्यक्ति ने सरकार इनकी आ गई उसका दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों के साथ बदतमीजी से बोलते हुए, जब पानी का टोपा उन्होंने देखा कि 25 साल बाद में कुछ भी नहीं है, उस टाइम उन्होंने आज के 40 साल पहले उन्होंने भाप दिया था कि जल स्तर नीचा जाएगा, यहाँ की खेती पे असर पड़ेगा, पीने के पानी पे असर पड़ेगा, तो वो आगे की सोचने वाले लोग थे। अब ये तो कुछ भी कह रहे। फिर 1994 में जो समझौता हुआ, मैं इन दोनों सरकारों से कहूँगा, यहाँ भजन लाल जी हैं, वहाँ नायब सिंह जी सैनी हैं, दोनों से कहूँगा कि 1994 का समझौता पढ़ो, किसने करवाया वो समझौता, उस समझौते के अनुसार आओ मैदान में। अब चाहे जैसे बोल देते साहब, नहर के बारे में इनको एक शब्द भी नहीं आता। चलो साहब, अब बात करें उदयपुर वाटी विधानसभा की, बड़े कह रहे उदयपुर वाटी विधानसभा से विजेंद्र चोड़ा बहुत लेके आएंगे, लीड लेके आएंगे वहाँ से भी, लीड बिल्कुल लीड, कितनी का वो लीड आओ ना, कम से कम भी 30-35 हज़ार, 30 और 35 हज़ार के बीच में लीड आएगी। वैसे तो 8वीं विधानसभा में होड़ लगी हुई है कि मैं ज्यादा लीड लेके आऊँ, मैं ज्यादा लीड लेके आऊँ, वही 25-30 की राजकुमार शर्मा दिलवाई। सौ बढ़िया विधानसभा कौन सी रहेगी झुंझुनू जिला का मेन? झुंझुनू जिले में सबसे बढ़िया विधानसभा कौन सी रहेगी, इसी पे रात को कल डोटासरा जी वो थे फतेहपुर में, तो फतेहपुर से चलते ये गाड़ी सारे विधानसभा में होती हुई, हर राजनीतिक योद्धा कह रहा है मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा। अब हम भी कंफ्यूज हैं कि आठों में से कौन सा फर्स्ट, बाकी ये तय है कि आठों विधानसभा में कांग्रेस लीड करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। लीड करेगी, बिल्कुल करेगी, डेफिनेट करेगी, कोई दो राय नहीं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ खड़ोसा होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोकसभा का चुनाव है और ये आम चुनाव की तरह 18वीं लोकसभा का साधारण चुनाव नहीं है, ये संविधान बचाने का और लोकतंत्र को बनाए रखने का चुनाव है। कृपया करके इस देश को बड़ी मुश्किलों से आजाद करवाया है और ये संविधान और ये लोकतंत्र बचा रहेगा, देश आगे जाएगा, आपका चैनल इस बात को पहुंचाए, वरना ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और फासिज्म का बोलबाला होगा। तो इसलिए जनता ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र की और संविधान की हमेशा ही हिमायती रही है, उन्होंने रक्षा की है, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा की है, चाहे वो ईडी हो, सीडी हो, सीबीआई हो, सबको पाड़ पोस करके आज इस स्तर पर लेकर के आए कि उनका ये दुरुपयोग कर रहे हैं।
तो हम चाहते हैं कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग ना हो। भारत का नाम बदनाम हो रहा, आदरणीय अरविंद केजरीवाल कैद में, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब कैद में, बीबीसी जर्मनी फ्रांस अमेरिका इन्होंने पूछ लिया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले क्या हो रहा है। कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए कि ये चुनाव नहीं लड़े, तो ये तो अघोषित तो इन्होंने लगा दिया। लेकिन हम चाहते हैं पूरा जो भी सुने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, अन्यथा ये देश बहुत गलत में चला। देखिए जब इंसान कहीं वोट मांगने जाता है ना और जनता घास नहीं डालती तो वो चाहे जैसे उलझुल बयान देता। संतोष जी का भी वीडियो गलत है, सुपकन जी का भी ये गलत। संतोष जी ने कहा कि कर्मचारी रस्सी बांध लो, कोई अधिकार नहीं है यहाँ वोट नहीं देने वाले को। राजस्थान सरकार का कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी अधिनियम के तहत सरकार का नुमाइंदा है। वो कौन होती है ये कहने वाले कि आप रस्सी बांध लो? सरकार के नियम के तहत वो नौकरी लगा, फिर कर्मचारी कोई रोड पे चलता हुआ कोई आवारा आदमी है क्या? उसको चाहे जैसे आप कह दोगे, उसके पीछे भी समाज खड़ा है, सरकार खड़ी है, हमारी एजेंसियां खड़ी हैं। कहने का मतलब उनको कमजोर करने का प्रयास है कि मैं कहूँ वैसे मानो, इसकी हम निंदा करते हैं और जनता चाह उसका 19 तारीख को बहुत भारी जवाब देगी। क्योंकि कर्मचारी है वो तो खड़ा होकर के नहीं बोल सकता, लेकिन कर्मचारी के साथ भाई भी हैं, बंद भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, कोई साढ़े सुसरे भी हैं, बगैर भाई बढ़ई भी हैं। कर्मचारी को नंगे पगा थोड़ी हाथ नहीं दे सकते। नहीं बात तो ठीक है, बहुत जिम्मेदार है कर्मचारी, वो सब